बिंदु पात्रा और दर्शकों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं तक की सुर्खियों पर। शहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कृषि बिल को बताया किसानों के लिए हितकारी। शहर में तेजी से बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ, ग्वाली में पोस्ट मास्टर से अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर लूटे 2 लाख, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और विश्व पशु दिवस के अवसर पर शहर की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों को कराया गया भोजन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की। जी हाँ, शहर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मीडिया से मुखातिब हुए और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश बिहार की जनता पुनः सरकार बनाएगी। जिस तरीके से बिहार ने विकास के मामले में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ और हम सब एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और पुनः हम सरकार बनाने में सफल। और जब लिखा था तो वो अपने से क्यों मुकर रहे? और यहाँ आपको बताते चले कि शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, ताजा मामला कुवाली थाना का है जहाँ अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर भालकी पोस्टमास्टर कामाख्या नारायण मंडल से 2 लाख की लूट की, जहाँ सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मामला था कि यहाँ जो बीओ में हम काम करते हैं, मेरा नाम कामाख्या नारायण मंडल है और यहाँ पर केवीपी पब्लिक लोगों दिए थे, करीब 2 लाख रुपया जमा हुआ था, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्ट जमा नहीं होता है, वो मेरा सब ऑफिस में जमा होता है। तो 2 लाख रुपया लेकर कुछ पासबुक था बैंक में लेकर गए थे टाटा नगर कि उधर से पैसा भी लाएंगे अरे जमा दे देंगे, लेकिन लिंक फेल के चलते पैसा वहाँ नहीं मिला अरे भी जमा नहीं हुआ, तो इसलिए वो पैसा हम फिर से लौट लेकर के लौट रहे थे। उसी समय और गुड़भांगा के दानीसाई के नीचे और इधर केस्त्रापाल और उधर आपका हुआ गुड़भांगा, उसी बीच जो चौकी है वहाँ पर 6 आदमी आए और हमको पटक दिए मारपीट के, पिस्तौल के बाँट से मेरे सिर पर पूरा चोट किए। उसके बाद पैसा और पासबुक और 2 मोबाइल जो पिंटू मंडल और मेरा मोबाइल था, 2 मोबाइल और पासबुक सब लेकर भाग गए। कितना था, कितना पैसा लिया गया? कितना? 2 लाख रुपया था। अच्छा, कुछ पता है कौन था या कैसा? वो तो पता नहीं, हम तो पूरा सीरियसली हो गए वहाँ, भोलवान हो गए। अच्छा, तो क्या हमेशा आप जाते थे क्या पैसा इस तक जमा करने के लिए? जमा करने भी जाते हैं, पैसा उधर से लाते भी पेमेंट करने के लिए। अच्छा, ताकि APS IPB भी पेमेंट होता है और SBI भी होता है। कितना बजे की घटना है? करीब 3:30 बजे। अच्छा, थाना में शिकायत किए हैं? जी। अच्छा, DSP साहब खुद शिकायत दर्ज किए हैं। अच्छा, हम गलपाड़ी पोस्ट ऑफिस जो साहब ऑफिस मेरा अकाउंट ऑफिस है वहाँ जमा करने गए, तो लिंक फेल था इसलिए जमा ना हो पा, इसलिए हम पैसा 2 लाख रुपया लेकर के भरा है। और यहाँ आपको बताएं कि विश्व पशु दिवस के अवसर पर शहर के सड़कों पर आवारा जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था जमशेदपुर रेड पॉज रेस्क्यू फाउंडेशन और रॉबिन हुड आर्मी ने संयुक्त रूप से शहर के आवारा जानवरों को चारा खिलाया। डे में हम लोग जमशेदपुर रेड पॉज से सारे जो स्ट्रे एनिमल्स हुए हैं, काऊ है, आपका डॉगी है, कबूतर है, सबको हम लोग खिला रहे हैं। तो हम लोग बिष्टुपुर से स्टार्ट किए हैं, बिष्टुपुर होते हुए हम लोग मेरीन ड्राइव होते हुए कदमा सोनारी, अभी आगे हम लोग साक्षी खिलाएंगे, साक्षी सिद्धगोड़ा एग्रीको, ये सारे जगह कवर करने वाले हैं। और हम लोग आज एनिमल को सिर्फ खिला नहीं रहे, उसके साथ साथ हम लोग को अगर देखते हैं कोई एनिमल को चोट लगा है उसको मेडिसिन देना, उसका फर्स्ट एड करना, वो भी हम लोग कर दे रहे हैं। हम लोग को जो जमशेदपुर रेड पॉज है जो ग्रुप है इसमें टोटल 60 मेम्बर्स है, तो आज हम लोग वॉलेंटियर्स चारों तरफ डिफरेंट एरिया में हम लोग
सबको अलग अलग से भी खिला रहे हैं। जो लोग पॉसिबल नहीं है ग्रुप में जुड़ना, तो लोग अलग उन लोगों का एरिया जो है उसमें भी वो लोग एक्टिव है। ये वर्ल्ड एनिमल डे में किसी की सालों भर आप लोग इस तरह का जानवर का सेवा करती हैं? हम लोग सिर्फ वर्ल्ड एनिमल डे में हम लोग नहीं खिलाते हैं, हम लोग बीच बीच में सालों भर हम लोग सालों की हम लोग सारा जैसे देखिए पर डे हम खिलाते हैं। पर डे हम नहीं, सिर्फ इधर बहुत सारे सब वॉलेंटियर है जो डेली खिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुष्मिता सेन बख्शी है, हम जमशेदपुर रेड क्रॉस एनिमल ग्रुप से हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हम एक दूसरे को मदद करके कांग्रेस को मजबूत करें। अब यहाँ पर बन्ना गुप्ता जी मंत्री है तो हमारा ये भी फर्ज बनता है सब लोग को कि एक साथ सब लोग को काम करना है। और हमने सब लोग से ये भी पर चर्चा किया, जिला के स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पर, कांग्रेस के जितने भी नेतागण हम एक दूसरे को साथ दें और मदद करें, क्योंकि सभी कार्यकर्ता तो बेचारा सब पार्टी का ही कार्यकर्ता है, किसी गुट का नहीं होता है। हम सब लोग को एक साथ काम करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक साथ, अगर कांग्रेस के लोग सब एक साथ काम करेंगे तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखाई। हम सिर्फ हम लोग को एक होने की ज़रूरत है और सब अपने पुराने जो जितने भी मान लीजिए किसी के साथ जो है खटास हो गई है, सुनिश्चित करना कि पार्टी मजबूत हो जाए। जब मान लीजिए हम कहीं पर जाते हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए जाना, अपना जो है सभी को चमकाने के लिए नहीं जाना। सर आप फिर से जब पार्टी में ऐसा लगता है कुछ लोगों में खटास हो गया हो ज़्यादा, उसको भी साथ में लेकर चलेंगे? सबके साथ जाना चाहिए, सबको तो मेरे हो सकता है कि हमें भी कुछ गलती की, सबको साथ में ले जाना जरूरी है क्योंकि देश के सामने चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, चीन बैठा हुआ है, दलित बेटियों की अब जो है बलात्कार लगातार, समाज के महिला के ऊपर जो बलात्कार हो रहा है, चारों तरफ देख लीजिए, तभी भी लोग अगर पत्रकार का फोन टैप हो रहा है, अब बचा क्या है? तो चार सात और आप जमशेदपुर और झारखंड के जनता आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आपको रोड आने का समय आ गया है, आपको जो है आपको रोड में आने की समय आ गया है। और जिस बलात्कार का जो घटना, एक ही उदाहरण दूंगा कि कोई बेटी का, अगर बाप अपने बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करा पाए और लाश को जला दिया जाए तो कौन सा धर्म के बात कर रहे हैं भाई साहब? इससे ज्यादा धर्म भ्रष्ट करने वाले कोई हो सकता है क्या कि बेटी का लाश भी जला दे बिना पूरे रीति रिवाज के मुताबिक, और फिर बोलेंगे कि हम जो है धर्म के जो है किसी तरह के बड़े बहुत योद्धा होंगी। और यहाँ आपको बताएं कि जुगसलाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब साक्षी महिला थाने में मोबाइल पर तलाक देने का मामला सामने आ गया है। जी हाँ, जहाँ दुबई में दूसरी शादी रचाने के बाद शहर में रह रही अपनी पहली पत्नी को फोन पर तलाक देने की बात सामने आई है। बताइए क्या मामला पर आपका? मेरी शादी 2009 में हुई थी, कीटाडी में एक वाजी द्वारा शादी किए गए थे। अब मेरे हस्बैंड हमको तलाक देना चाहते हैं। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? सऊदी में रहते हैं। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। अभी क्या बोल रहे हो? अभी वो बोल रहे हैं कि हम दूसरी शादी कर चुके हैं और हम तुमको तलाक देना चाहते हैं, और फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके भेजे हैं
तलाक तलाक बोलकर। अगर थाना है तो क्या, थाना क्या बोल रहे हैं? थाना बोल रही है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, अब क्या मांग करते हैं आप? हमको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, हमको इंसाफ चाहिए, मेरे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? शादी कब हुई थी आपकी? 2009 में। मेरा नाम निषाद खातून है, मैं महिला विकास मंच कोल्हान अध्यक्ष हूँ। ये मामला मेरे पास 2 दिन पहले ही आया है, और जैसे कि पहले एक तलाक का मामला हम लोगों ने जुगसराई थाना में भी रजिस्टर कराया है, जो डाक द्वारा तलाक दिया गया था, और ये मामला भी जो है उसी को देखते हुए ये लड़की भी हिम्मत करके मेरे पास आई और इसको जो है फ़ोन पे तलाक दिया गया है। तो हम लोगों ने FIR यहाँ महिला थाना साक्षी में करवाया है और DSP साहब से आज सुपरविजन भी करवाया है, और मामले की कार्रवाई हो रही है। DSP साहब ने आश्वासन दिया है कि जो है इसका साथ देंगे जो भी है। शहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कृषि बिल को बताया किसानों के लिए हितकारी। शहर में तेजी से बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ, ग्वाली में पोस्ट मास्टर से अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर लूटे 2 लाख, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और विश्व पशु दिवस के अवसर पर शहर की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों को कराया गया भोजन। इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।